आज्ञा चक्र के आगे का मैं वर्णन कर रहा हूँ। मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और हो सके तो आप आगे भी शेयर करें। आज्ञा चक्र में भगवान काशीनाथ का, विश्वनाथ का जो स्थान है, इस विश्वनाथ की पूजा किए बिना और उनकी देवियों की पूजा किए बिना ये चक्र सिद्ध नहीं हो सकता है। मैंने आपको बकल बताया था कि इसके अंदर चेती शक्ति का वास है, चिदाकाश है ये। इस चेती शक्ति का वास, चेती शक्ति और श्री तो एक ही है, और श्री यंत्र के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। तो उसमें श्री यंत्र के अंदर इस किस प्रकार चेती शक्ति का और श्री यंत्र की पूजा करनी चाहिए, ये हमारे शरीर का घट है। इस शरीर को घट कहते हैं, घट रूपी थाल है। इस घट रूपी थाल के अंदर हम लम नाम का मंत्र है, और लम नाम का मंत्र का मतलब ये इत्र लगा रहे हैं माता को, और फिर हम नाम का मंत्र है। वो थाल है ना, घट का थाल, इसके अंदर इत्र की रखो। फिर देखो, हम जो है, हम का मतलब है पुष्प रखो, और फिर उसके अंदर यम मंत्र है, यम का मतलब है धूप, धूप कर रहे हैं, और उसके बाद में रम मंत्र है, रम का मतलब है दीपक लगा रहे हैं, दीपक लगा रहे हैं उस थाल के अंदर, दीपक सजा रहे हैं। और उसके बाद में वम मंत्र है, वम का मतलब है अमृतादि नैवेद्य भोग लगा रहे हैं। और उसके बाद में शम मंत्र, श और ऊपर बिंदी शम, तामूल आदि सर्वोपचारान पूजा कर रहे हैं। इसको यूं भी कह सकते हैं, ओम लम पृथ्व्याधिपति गंधम समर्पयामि, ओम हम आकाशाधिपति पुष्पम समर्पयामि, ओम यम वायुधाधिपति धूपम आग्रयामि, ओम रम तेजाधिपति दीपक समर्पयामि, ओम वम जलाधिपति नैवेद्यम समर्पयामि, ओम सम तामूलादि सर्वोच्चारान समर्पयामि। इस प्रकार कह करके फिर मानसिक रूप से 100 दीपकों की जो है आरती करना चाहिए, तब कहीं माँ चेती शक्ति प्रसन्न होती है, श्री प्रसन्न होती है। और हमारा ये जो चक्र है ना, आज्ञा चक्र, ये आज्ञा चक्र, इसका वेदन भी हो जाता है, शोधन भी हो जाता है, परिष्कार भी हो जाता है। इसका जो है 100 कोटि, कितने 100 कोटि योजन का क्षेत्र है, जो है पूरा आकाश तत्व है, इसका क्षेत्र है। इसकी हमें पूजा करनी पड़ती है, इसकी हमें साधना करनी पड़ती है, तब कहीं जा कर के ये क्षेत्र जो है परिष्कृत आज्ञा चक्र भेदन होता है। एक बात और है, ये हमारा शरीर है ना, इस शरीर के अंदर माँ की सब जगह पूजा करनी पड़ती, शक्ति, ये शक्ति है, चित शक्ति, इस शरीर की पांव से लेकर के सिर से लेकर के और शक्ति माँ ही करना पड़ता है। इसके भी मंत्र हैं, सुन लो अच्छी तरह से। पांव से लगा करके ये हमारा जंगा है, जंगा तक बोलते हैं राम, ये पृथ्वी का क्षेत्र, राम पृथ्व्याधिपति, ये निवृत्ति शक्ति है, और निवृत्ति शक्ति ओम फट, ये मंत्र देखो, वापस बोलता हूँ मैं, पांव के अंगूठे नक नकाग्र के लेकर के जंगा तक का क्षेत्र है, इसका मंत्र है शक्ति है, इसमें निवृत्ति नाम की शक्ति, उसकी पूजा ओम राम भ्रमणे पृथ्व्याधिपति ओम हुम फट, ये जो है मंत्र है। दूसरा देखो, जंगा से, यहाँ से जंगा से लेकर के और ये हमारा मणिपुर तक का क्षेत्र है, जल क्षेत्र कहलाता है, जल क्षेत्र का मंत्र है, देखो अच्छी तरह से सुन लो आप। रिम, जल में भगवान शीरसागर में विराजते हैं ना, तो उसका रिम, ओम रिम जलाधिपति प्रतिष्ठा कर, प्रतिष्ठा नाम की शक्ति है इसमें, प्रतिष्ठाधिपति ओम फुट। और तीसरा मंत्र है देखो,
यहाँ से लेकर क्या जल क्षेत्र के बाद में कौन सा क्षेत्र आता है, अग्नि क्षेत्र आता है, यह मणिपुर से लेकर के यहाँ तक जो है हृदय तक, यह मणिपुर का अग्नि क्षेत्र है। इसका मंत्र रुद्र है ना अग्नि के, ओम रुद्राय तेजोधिपति, और इसकी विद्या नाम की शक्ति है। कौन सी शक्ति है? विद्या नाम की शक्ति है। वे ओम तेजोधिपति विद्या कलात्मने होम फट स्वा। अब चौथा है देखो, ये जो हमने ये बता दिया आपको अग्नि क्षेत्र, उसके बाद में हृदय से लेकर के यहाँ तक वायु क्षेत्र, इस वायु क्षेत्र का मंत्र है ओम यम ओम ईश्वराय, और क्या कहते हैं ओम ईश्वराय, और उसके बाद में शांति कलात्मने, ये शांति नाम की शक्ति यहाँ विराजित होती, शांति कलात्मने होम फट स्वा, और उसके बाद में ये जो है यहाँ से ब्रकुटी से लगा करके यहाँ तक ब्रह्मरंध्र है, इस ब्रह्मरंध्र के अंदर जो है शांति अतीत शक्ति होती है, तो ओम सदाशिवाय, ये सदाशिव का क्षेत्र है, यहाँ से लेकर के ये आज्ञा चक्र से लेकर के ब्रह्मरंध्र तक सदाशिव का क्षेत्र है, 10 कोटि योजन का क्षेत्र है, इसमें सदाशिव वास करते हैं। तो इसका मंत्र है ओम सदाशिवाय, ओम सदाशिवाय शांति तीर्थ कलात्मे ओम फट, ओम सदाशिवाय आकाशाधिपति, ये आकाश क्षेत्र है ना, आकाशाधिपति शांति तीर्थ कला, शांति तीर्थ कला में कौन भी रास्ते हैं, ये भगवान शंकर का यहाँ से वास है, नहीं यहाँ से लेकर ये ब्रह्मरंध्र ऊपर, तो यहाँ शंकर भी रास्ते हैं नहीं, ब्रह्मरंध्र में शक्ति कहाँ जा रही, हमारी चिति शक्ति कहाँ जा रही, जो मूलाधार से उसकी महायात्रा प्रारंभ हुई है, मूलाधार का भेदन कर दिया, स्वाधिष्ठान का भेदन कर दिया, मणिपुर का भेदन कर दिया, अनाहत का भेदन कर दिया, विशुद्ध का भेदन कर दिया, और आज्ञा चक्र में पहुंच गई है ना, आज्ञा चक्र से उसका अब रास्ता ऊपर है ना, ब्रह्मरंध्र तक, उच्चतम से उच्चतम क्षेत्र है ब्रह्मरंध्र, वहां तक है। तो मैंने बोला ओम रेम सदाशिवाय आकाशाधिपति शांति तीत कलात्मय होम फट, ये है मंत्र है भाई। अब देखो एक बात और बता देता हूँ, जब माँ पधारती है ना उस क्षेत्र में, आज्ञा क्षेत्र में, तो एकदम प्रकाश होता है, ध्वनि निकलती है, प्रकाश के साथ ध्वनि निकलती है, उसको नाद कहते, सुरति का नाम सुना नहीं आपने, वो सुरति ही नाद है। हमें नाद भी 10 प्रकार की, कितने प्रकार की, अगर आप रात को सोते हैं अर्धरात्रि में और आपके कानों को इस अंगुली से बंद कर दीजिए और आंखें बंद कर लीजिए, निश्चल होकर के सो जाइए, आपको नाद की ध्वनि और प्रकाश भी क्षेत्र में होता है, उसका ध्यान हो जाएगा, आप उस नाद में ध्यान कर दो तो आपको माँ कुंडली तो बड़े प्रसन्न हो जाती है। ये नाद 10 प्रकार का होता है, एक तो नाद है बाजे बजते हैं, जब आप अंदर बंद करते हैं नहीं तो आपको ऐसा सुनाई देता बाजे, लेकिन उसकी ध्वनि क्या, सूक्ष्म, फिर सूक्ष्मतर और फिर सूक्ष्मतम, बिल्कुल धीरे धीरे सुनाई दे ये नाद, उसमें आप ध्यान करिए, उसमें आप ध्यान लगा लीजिए। और दूसरी है देखो, ये झरना है अमृत का, झरना झरता है ना, झर 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 बोलता, तो वो भी आवाज और वो भी सूक्ष्म सूक्ष्मतम सूक्ष्मतर होती है, और इस प्रकार की बंसरी बजती है ना, उस बंसरी की आवाज़ भी धीरे धीरे, कोकिल की आवाज़ भी धीरे धीरे, और इस प्रकार लहर चलती है ना जल के अंदर कल 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 कल, वो उसकी आवाज़, इस तरह से 10 ध्वनि इस, और प्रकाश भी है, उसको आप सुरति कहते, नाद योग कहते। आप इस ध्वनि के ऊपर, प्रकाश के ऊपर ध्यान कीजिए तो माँ बड़ी प्रसन्न हो जाती है और जो है आपको सब साधन सुलभ कर देती है, इस क्षेत्र का भेदन भी हो जाता है। इसे देखिए, ये माँ है ना, ये देखो, ये क्षेत्र है, ये ब्रकुटी का, ये दोनों, ये ब्रकुटी, ये दोनों के बीच में ये आज्ञा चक्र है, और आज्ञा चक्र का स्थान बीच में, और स्थान बिल्कुल
देखो 100 कोटि सूर्य उदित हो गए हो ऐसा इसमें प्रकाश होता है रे। और इसके अंदर माँ विराजती है और इसके अंदर जो है आगे देखो, आगे जब इस माँ यहाँ आती है ना तो इसमें प्रकाश होता है और इसके अंदर ओम देखो ऐसे बोला जाता ओम आज्ञा चक्र द्वैदल पद में, इसमें आज्ञा चक्र के अंदर जो कमल है ना उस कमल की सिर्फ 2 पंखुड़ियाँ हैं, ज्यादा नहीं है 2 पंखुड़ियाँ। उन 2 पंखुड़ियों में एक पंखुड़ी में हम और दूसरी पंखुड़ी में शम, ये 2 मंत्र जपना चाहिए आपको। जपो हम 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 क्षम शम 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 शम, इसका भेदन होगा। और इसका बीज मंत्र है जो कर्णिका है ना, वो कर्णिका देखो कमल का फूल होता, पंखड़ी खिली हुई होती, उर्द दोनों पंखड़ी ऊपर हो जाती है हमसम की माँ के यहाँ इसमें पधारते, और इसमें बीच में ओ बीज तत्व है वो ओम है, इसमें माँ भगवान ओम विराजते हैं। ओम का आपको मंत्र जपना ही पड़ेगा। ओ आंखें बंद कर लीजिए, यूं कर लीजिए हाथ, ये मुद्रिका लगा लीजिए, ओ ओ ओ ओम, इस तरह से ध्वनि अब जोरदार जपोगे ओम 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 ओम, एकदम नीचे कर दीजिए, कुंभक लगा दीजिए, देखो सारे शरीर में जो है ओम की ध्वनि हो जाएगी, आप नाद हो जाएगा इस प्रकार ये जो है। और इसकी अधिपति देवी, देखो मैंने बताया नहीं इसके गौण सब में गौण होते हैं, तो इसका जो है लिंग यंत्र है, लिंग जो है इसका दे, और इसके ऊपर जो मानव का और इसके ऊपर जो छेद है ना इसके ऊपर हमें ध्यान करना चाहिए, तो सर्व विभूतियाँ आपको प्राप्त हो जाएगी, आपको मोक्ष मिल जाएगा। और जो है इसके अंदर जो है आप यह एक गुरु है, ये गुरुपीठ है ना भाई, ये कौन से पीठ है, आज्ञा चक्र को गुरुपीठ कहते हैं, गुरु का स्थान है यहाँ, इसलिए हमें गुरु का मंत्र तो जपना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ये मंत्र है ना गुरु का। और भी मंत्र है आनंद माँ करम, देखो अच्छी तरह सुन लो, गुरु मंत्र बहुत अच्छा है, बहुत ही याद रखना चाहिए आप। ओम आनंद माँ करम पहला अक्षर, पहला शब्द, ओम आनंद माँ करम दूसरा शब्द ज्ञान स्वरूपम, और तीसरा शब्द बोध ज्ञान, और चौथा स्वरूप है शब्दाख्य, और क्या है, और इसका फिर है हक, ये फिर गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ये इसके मंत्र हैं भाई, आपको जपना चाहिए। हाकनी देवी है इसकी, हाकनी देवी का मंत्र भी आपको जपना चाहिए। हाकनी देवी का मंत्र आपको मैं कल बताऊंगा। इसके बाद में त्राटक करना पड़ता है, इसमें ये त्राटक की विधि में आपको कल बताऊंगा। और पूर्ण आज का ये ज्ञान आपको मैंने आज्ञा चाहिए, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और जो है शेयर भी करें। जय माता कुंडली माँ की जय हो।